तो ये बाढ़ जैसी माहौल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसा दुखित घटना भी घटी है। बाहर सारे लोग भी ढल चुके हैं, तो वो भी फिर आप लोगों को देखे हुए हैं, न्यूज़ में भी आ चुका है। तो काफ़ी दुख से हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन क्या करें, आप जीना भी है हर किसी को, तो यहाँ हर किसी को अपने अपना ज़िंदगी में व्यस्त हो जाना ही अच्छी बात है, क्योंकि माहौल तो बदलते रहते हैं और बारिश अपना काम करता है और इंसान अपना काम करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग जीते हैं और काम करते हैं। और यहाँ का माहौल काफ़ी अजीब सा है, क्योंकि कभी भी क्योंकि सड़क काफ़ी धस चुकी है पहाड़ के वजह से, गिरने के वजह से, तो दिक्कत बहुत सारी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सरकार है काफ़ी ध्यान देते हैं तुरंत सड़क दुर्घटना को बचने के लिए, जो बाढ़ से जो दुर्घटना होती है उससे बचने के लिए काफ़ी सुविधा दी गई है, जैसे जैसे भी हो माटी का मलबा हटाने के लिए। तो यहाँ है ढेर सारा, क्योंकि यहाँ पे जीने का आदत सबको बढ़ चुकी है और इसलिए ऐसा माहौल पे लोग रह पाते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं अभी यहाँ नीचे आ चुका हूँ और यहाँ देख सकते हैं ये जो पानी जो है ये सिर्फ बारिश का पानी है और एक बाढ़ की तरह यहाँ पे बह रही है। तो यहाँ पे आके काफ़ी डर भी लग रही है और यहाँ काफ़ी अच्छा भी सीन है। तो यहाँ पे जब बारिश तो छूट ही गई है, तो यहाँ पे आके मैं देख ही रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी मज़ा लग रहा है यहाँ पे आके। और देखिए रेत और यहाँ का जो झरना है, काफ़ी सुकून लग रहा है यहाँ पे देखने में। और ये बाढ़ जैसी पानी, अभी थोड़ा सा राहत हुआ हिमाचल प्रदेश में, तो हम लोग घर से बाहर निकले थे और यहाँ का दृश्य आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी डरावना भी था। गाइस, यहाँ पे आप लोग ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो यहाँ हिमाचल प्रदेश के निवासी, लोकल निवासी हैं, तो मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। पहले ये माहौल देख लीजिएगा कैसा दिख रहा है, इसके बारे में मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पे दो तरह से पानी आया करता है, बहता है। तो ये जगह का नाम क्या पहले बता सकते हैं? धमेला। और आपका नाम पहले क्या हुआ बताइए? प्रताप जान। तो जान, आप ये जो बन रही है ये क्या है? ये है कुटिया बाबाजी की। और इसमें क्या होता है, इस कुटिया में क्या होता है? कुटिया में साधु संत रहते हैं। और ये जो जगह है ये शमशान घाट है क्या? शमशान घाट जलाने के लिए, इंसान को जलाने के लिए। कि इंसान कुछ भी परेशानी में हो, कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ तो आना ही पड़ेगा, ये सत्य है। तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए, हिमाचल जो आसपास के माहौल के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, कोई अच्छी नहीं है। और यहाँ का विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? विकास भी अच्छा हो रहा है। ये जो पुलिया बनी हुई है ये कब की बनी हुई है? ये 2 साल पहले की बनी है। और मुझे पता चला है कि अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हाँ, 30 तारीख को लगने वाला है मेला। उस मेला का नाम क्या है, बता सकते क्या? दुर्गा मंदिर रक्षाबंधन के दिन लगता है। अच्छा, रक्षाबंधन से चालू होता है 10 दिन। और ये इसका मान्यता, गुगा छतरी का मान्यता कितने सालों से चलते हुए आ रहा है, बता सकते क्या? सदियों से। इसका क्या मतलब, इसका मेन, ये गुगा छतरी का क्या मेन मकसद जो आप लोग मानते हैं इतना ज़्यादा? ये है क्षत्रिय राजपूत, राजस्थान से आए हैं इधर। अच्छा, 1800 कुछ में आए हैं। ये सावन के महीने में ही पूजा होता है ये? हाँ। तो इसका विशेष बता सकते हैं क्या? नहीं, इतना मुझे मालूम नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, सबसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा।